क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कुल जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट संगत लघु वृत्त खंड, सेकेंड संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर और ए बी क्या है? जीवा। और जो जीवा है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का, समकोण अंतरित करती है। तो ये जो हमारा यहां थीटा हो गया कितना? 90 डिग्री है। फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो लिखेंगे यहां फर्स्ट पार्ट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आर स्क्वायर पाई थीटा बटे में 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। आर का मान कितना है यहां पर? 10। 10 मल्टीप्लाई 10। पाई का मान लेना है 3.14। थीटा कितना है? 90 डिग्री बाई 360 माइनस साइन थीटा। थीटा कितना है? 90 डिग्री बाई 2। 10 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, फिर ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 1.57 बार में। तो लिखेंगे यहां 1.57 बाई 2 माइनस साइन 90 डिग्री कितना होता है? साइन 90 डिग्री होता है 1। कितना होता है? 1। तो लिखेंगे यहां पर 1 बाई 2। 100 मल्टीप्लाई यहां पर 2 और 2 कैंसिल, 2 लेंगे, ऊपर आएगा 1.57 माइनस यहां पर 1। लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 1.57 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.57 बाई 2। 2 से कट जाएगा 100 कितने बार में? 50 टाइम्स में। मल्टीप्लाई कर देंगे अब यहां पर तो एक जीरो लगाएंगे, 5 से गुना करेंगे इसमें, 5 सात 35, 5 पांच 25 और 3 28। तो सब लोग कितने अंक पहले लगाएंगे यहां पर? कितने अंक? देखो 2 अंक पहले लगाएंगे यहां पर, 1 2, तो यहां लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड क्या है हमारा यहां पर? ये वाला जो एरिया है क्या है? लघु वृत्तखंड क्या है? एपीबी जो है हमारा लघु वृत्तखंड में, यहां लिख देता हूं, ये जो एरिया है लघु वृत्तखंड का है। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल। तो ये वाला जो एरिया है, देखो ये वाला एरिया जो है दीर्घ त्रिज्यखंड, तो हम यहां लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला? 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे यहां पर 360 डिग्री माइनस थीटा के यहां पर 90 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई, यहां लेना है 3.14, आर है 10 मल्टीप्लाई में 10। माइनस करें तो क्या आएगा यहां पर? 270, वही आएगा ना, फिर बाय 360 मल्टीप्लाई, ये देखो यहां पर 314 है, डेसिमल के लिए 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है, जितना अंक है उतना 0। तो यहां पर दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2, तो लिखेंगे यहां 2 0 लगाएंगे, फिर 10 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 की 27, 9 चौक 36, फिर 2 दो 4, 2 से कट जाए कितने बार में? 157, 157 बार में। अब क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 157 में, तो गुणा करेंगे तो 3 सत 21, 3 5 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 4 बटे में 2,
2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, 2 दुनी 4, 2 3 6, 2 5 10, फिर दशमलव 2 5 10, ये आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।